हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं दही बड़े, दही भल्ले भी कहते हैं इसे, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इसे इफ्तारी में ज़रूर बनाएं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द दाल। ये देखिए, 1 कप ले लेना है उड़द दाल, और मूंग दाल, ये जो पीली वाली दाल होती है ना, वो लेनी है 1/2 कप। 1 कप हमने उड़द दाल ले ली है और 1/2 कप हमें पीली वाली मूंग दाल लेनी है, और इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे हमने साफ करके ले ली है और इसे हमें अच्छी तरह से धो लेना है, और इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगा कर रख देना है। ये देखिए, दाल भीग चुकी है। आप इसे ओवरनाइट के लिए भी भिगा सकते हैं। हमने इसे 4 घंटे के लिए ही भिगाया था। ये देखिए, ये डबल हो गई है दाल। वाटर हमने इसका ड्रेन कर दिया है। ये देखिए, अब हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। एक मिक्सी का जार लेंगे हम। इसे हमें अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह पीस लेना है। जितना ये अच्छे से पीसेगा, उतना ही इसका फ्लफी बैटर बनेगा और सॉफ्ट बनेंगे। ये दही भल्ले और दही बड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे जितना हम इसे अच्छे से पीसेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम। स्मूथ सा पेस्ट हम इसका तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट और हल्के भल्ले बनकर रेडी होते हैं। ये देखिए, हम निकाल लेते हैं इस बैटर को, और इसी तरह हम दाल को पीस लेंगे, सभी दाल को। ये देखिए, हमने दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है। इसका स्मूथ सा बैटर बना लेना है। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और इसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसे हमें फेंट लेना है। एक ही साइड से हमें फेंटना है। इसे हमें अच्छी तरह से फेंटते हुए अच्छी तरह फ्लफी बैटर बना लेना है, और इसे ज़िगज़ैग नहीं फेंटना है। और इसे फेंटना बहुत ही ज़रूरी है, ये स्टेप आप ज़रूर करें। इस तरह फेंटने से ये होगा कि ये जो बैटर है, ये बहुत ही लाइट और फ्लफी हो जाएगा, जिससे दही बड़े बहुत ही हल्के और सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, हमें फेंटना है कुछ देर तक के, बहुत ही अच्छी तरह से हाथ को उठाते हुए हमें फेंटना है इसे, और इसे हम चेक कर लेंगे ये लाइट या फ्लफी बैटर हुआ या नहीं। ये देखिए, आप इस तरह हाथ में थोड़ा बैटर लेंगे तो वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर आपको इस तरह भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा ये भल्ले का बैटर हमें डालेंगे, और देखेंगे ये अगर ऊपर तैर रहा हो तो ये बैटर अच्छी तरह से हमने फेंट लिया, ये फ्लफी हो चुका है और ये रेडी है अब फ्राई करने के लिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छा बैटर बन के रेडी हुआ है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस तरह कटोरी में चेक कर सकते हैं, ये तैर रहा था, नीचे बैठा नहीं, यानी कि ये हो गया है, रेडी है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करके ले लिया है। मीडियम फ्लेम पे हम भल्लों को फ्राई कर लेंगे। आप इसे हाथों से इस तरह भी डाल सकते हैं, या आप चम्मच ले लीजिए। आप बैटर को चम्मच से लेकर भी फ्राई कर सकते हैं, या आप इस तरह हाथ से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे एक साइड से पलट लेते हैं। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आया है इसका। सभी को हम इसी तरह पलट लेंगे। इसके बाद हम इसे पलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इस तरह हम चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से ये फ्राई होने चाहिए। गोल्डन कलर आने तक के हम इसे फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। इसका गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हमने सबको फ्राई कर लिया है, और अब हम इसे चेक कर लेते हैं अंदर से इसकी जाली। ये देखिए, कितना जालीदार बना है ये। बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बना है ये, परफेक्ट बना है। अब हमने एक पानी ले लिया है एक बाउल में। इसमें हम काला नमक और सफ़ेद नमक और रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, और इसमें हम भल्ले ऐड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। यहाँ पर हमने गुनगुना पानी नहीं लिया है, उसमें बहुत ही ये घुल जाते हैं ये।
और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ये रूम टेम्परेचर के पानी में ही रहने देंगे, पानी पीने देंगे इसे। अब हम बनाएंगे मीठी दही इसके लिए, और इसे हम फेंट लेंगे। यहाँ पर आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पर दही ले सकते हैं, 1 कप 2 कप जितना भी आपको पसंद है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर मिल्क ऐड कर देंगे हम 2 टेबल स्पून। थोड़ा इसमें दूध ऐड करने से बहुत ही अच्छा क्रीमी सा इसमें टेक्सचर आ जाता है दही भल्लों में भी। ये देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया है। इसमें हम 2 चुटकी नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने ये मसाले ले लिए हैं, भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर, और चाट मसाला, और रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। इन सभी को हमने मिक्स कर दिया है। अब ये पाउडर हम एक साइड में रख देंगे। अब ये देखिए ये भल्ले डबल हो गए हैं, पानी पी लिए हैं इन लोग ने। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। इसका पानी हम इस तरह से आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह हथेली के दबाते हुए हाथों से, इसे तोड़ना नहीं है, बिल्कुल आराम से निकालना है। इसी तरह हमने सभी भल्लों का पानी निकाल लिया है। ये देखिए एक प्लेट में हमने ले लिए हैं। अब हम दही इसमें ऐड करेंगे। अब हम सबसे पहले फेंटा हुआ क्रीमी सा दही ऐड करेंगे, मीठा आपको जितना भी पसंद है। इसमें जितना दही डालो उतने ये अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके बाद हम हरी चटनी ऐड करेंगे, ये देखिए। इसके बाद हम इमली की मीठी चटनी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ये देखिए। अब जो मसाला हमने बना के रखा था वो हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये मसाला आप ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी बने थे ये दही बड़े, दही भल्ले। इस तरह से हम सेव भी इसमें ऐड कर देंगे, और मीठी चटनी, दही, अनार के दाने, और ये लीजिए रेडी है हमारे दही भल्ले की प्लेट, दही भल्ला चाट, दही बड़े की प्लेट। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें इफ्तारी में, सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।